के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर महामारी के दौरान सेवा करने वाले राजस्थान के 28,000 से अधिक भाई बहन जिनको नाम दिया गया CHA का, कोविड स्वास्थ्य सहायकों का, लगातार पिछले 40 दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं और बहुत शांति और अनुशासन के साथ जोरदार आंदोलन चला रहे राजस्थान की गहलोत सरकार जो युवा विरोधी है, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बाद 28,000 भाई बहनों के पेट पर लात मार दी जिस सरकार ने, और ये सभी भाई बहन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर हैं। लेकिन बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि सरकार ने आज तक इनकी सुध नहीं ली, बल्कि इस आंदोलन के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचने का काम राजस्थान की गहलोत सरकार कर रही। और सबसे बड़ी बात, जिन साथियों ने सेवा की उनको पूरी तनख्वाह तक नहीं दी गई और उनको घर भेज दिया गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है, ये सभी भाई बहन अपने अधिकार के लिए पिछले 40 दिन से संविदा कैडर में शामिल होने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन पर हैं। और साथियों, आगामी 12 मई को सुबह 10 बजे सभी संगठनों के साथ, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हो, संयुक्त किसान मोर्चा हो, तमाम संगठनों के साथ, संगठनों के नेताओं के साथ आंदोलन की अगली रणनीति बनाने के लिए शहीद स्मारक पर 12 मई को सुबह 10 बजे महापंचायत रखी गई है। इस महापंचायत में मैं भी आ रहा हूं, तमाम दूसरे नेता भी आ रहे हैं। मेरी सभी युवा साथियों से अपील है, सभी संगठनों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंच करके गहलोत सरकार के घुटने टिकवाने का काम करें और CHA को न्याय दिलवाने का काम करें। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। प्रदेश के 27,000 CHA लगभग 40 दिन से लगातार आंदोलित है। आमरण अनशन से लेकर कार्मिक अनशन तक सारी की सारी लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है उन सबको अपना चुके, लेकिन राजस्थान सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उनकी बातों के ऊपर विचार करना भी वो मुनासिब नहीं समझती। और आज इस भीषण गर्मी के अंदर वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए, उनकी वाजिब मांगों को देखते हुए तत्काल उनके वार्ता के लिए बुलाया जाए, उनकी बातों के साथ सहमति प्रदान की जाए और उनकी नौकरी के साथ और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कम से कम राज्य सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल उनको वापिस राजकीय सेवा के अंदर लेने का काम करे।